आज हम पढ़ने वाले हैं डेविड ओजोबल की थ्योरी। तो डेविड ओजोबल की थ्योरी में क्या है? ओजोबल बिलीव्ड दैट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज आर अचीव्ड थ्रू डिडक्टिव रीजनिंग। तो इसमें क्या है, वो विश्वास रखते हैं किसमें, कॉन्सेप्ट को समझने में, है ना। तो मतलब कि उससे डिडक्टिव रीजनिंग से सीखना ही वो कहते हैं लर्निंग, ठीक है। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें इंडक्टिव और डिडक्टिव होता क्या है? अगर मैं इंडक्टिव रीजनिंग की बात करता हूं तो इंडक्टिव हमारी क्या होती है, एग्जाम्पल टू रूल। मतलब कि सबसे पहले हमने एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल से रूल की तरफ चले, ठीक है। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल दिया, उसके बाद रूल पढ़ा कि रूल क्या है। सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझना है ना, उसे कहते हैं हम इंडक्टिव रीजनिंग। लेकिन उसने ओजोबल ने किस पे विश्वास रखते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग पे। तो डिडक्टिव रीजनिंग हमारी क्या होती है, डिडक्टिव रीजनिंग हमारी क्या होती है? तो अगर मैं डिडक्टिव रीजनिंग की बात करता हूं तो ये हमारी क्या होती है, ये जाती है हमारी रूल टू एग्जाम्पल, इसका अपोजिट। मतलब कि पहले रूल पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल पढ़ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले उसका रूल पढ़ा कि रूल क्या कहता है, उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल्स पर गए। इसको हम क्या बोल सकते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं। इसमें हम कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, ठीक है। जनरल टू स्पेसिफिक गए। उसके अलावा डिडक्टिव रीजनिंग पर किसने बात की है, एरिस्टोटल ने। किसने, एरिस्टोटल ने, एरिस्टोटल ने दिया है डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। तो इसके बाद हम मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी, ठीक है। मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी में अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट हमारी क्या होती है, फर्स्ट हमारे इसमें चार तरह की थ्योरी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी पुरानी प्रीवियस नॉलेज को यूज करके सीखते हैं, है ना। तो इसमें अगर मैं इसके चार चार टाइप है, मतलब कि RMRD, ये हमारा याद करने का तरीका रहता है कि RMRD। R से हमारा क्या हो जाता है, रोट लर्निंग, जिसको हम रट कर सीखना बोलते हैं। M से होता है हमारा मीनिंगफुल लर्निंग, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग समझ कर हम किसी बात को सीखते हैं, प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके सीखते हैं, है ना। उसके बाद होता है हमारा रिटेंशन लर्निंग, या फिर हम उसे क्या बोलते हैं, रिसेप्टिव लर्निंग, ठीक है। उसमें क्या हो जाता है, हमारा दोनों आ जाते हैं, बोथ, मतलब कि रोट लर्निंग और मीनिंगफुल लर्निंग। और डी से हमारा क्या होता है, डी से हमारा आता है डिस्कवरी लर्निंग, जो कि बच्चा एक्टिविटी एक्सप्लोर करके, ऑब्जर्व करके सीखता है। आइए इनको जानते हैं। सबसे पहला हमारा रोट लर्निंग, रोट लर्निंग, रोट लर्निंग का मतलब क्या है, रट कर सीखना, किसी भी बात को रट कर सीखना। मतलब कि हमारे पास कोई फैक्ट्स है, कोई डाटा है ना, ये सब समझ नहीं आया लेकिन उसने रट लिया। जैसे कि हम स्कूल में टेबल्स याद करते हैं, 2 1 2 2 2 4, 2 3 4, 2 3 6, 2 4 8, ऐसे कर करके अगर हम कुछ भूल जाते हैं, है ना, बीच में अगर कुछ भूल गए तो हम क्या करते हैं, शुरू से टेबल बोलना शुरू कर देता है, 2 1 2, है ना। मतलब कि हमने रटा हुआ है, हमने चीज को समझानी हुआ है ना, हमने रटा हुआ है, ठीक है। तो ये होता है हमारा रोट लर्निंग। इसमें हम क्या करते हैं, मेमोराइज करते हैं, क्या करते हैं, मेमोराइज करते हैं, मेमोराइजिंग, है ना। इसमें हमने क्या करा, चीजों को मेमोराइज करा, और क्या क्या, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि हमने बिना कुछ सोचे समझे, हमें नहीं पता उसके अंदर क्या गिवन है, क्या बात करी गई है उसके में, है ना, बस हमने रट लिया, है ना, बस हमने रट लिया। तो ये हो जाता है हमारा रोट लर्निंग। इसके बाद अगर मैं सेकंड की बात करता हूं तो हमारा क्या होता है, मीनिंगफुल लर्निंग, क्या होता है, मीनिंगफुल लर्निंग।
अगर मैं मीनिंगफुल लर्निंग की बात करता हूं तो समझकर पढ़ना, क्या है समझकर पढ़ना। लर्निंग कैसे होती है, मीनिंगफुल हो, और लर्निंग क्या हो हमारी, मीनिंगफुल हो, ठीक है, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग हो, समझकर सीखना है ना, अंडरस्टैंडिंग लाइफ है ना, अंडरस्टैंडिंग लाइफ। अपनी जिंदगी से रिलेट कर करके सीखना, वो क्या होता है हमारा, मीनिंगफुल लर्निंग, ठीक है, मतलब कि कॉम्प्रीहेंड कर देते हैं हम, एक टर्म होती है कॉम्प्रीहेंड करना, इसी को बोलते हैं हम, ठीक है, मतलब कि अपनी लाइफ से जोड़ करके हम किसी चीज को जब सीखते हैं तो वो हो जाता है हमारा मीनिंगफुल लर्निंग। इसी के बारे में अगर मैं बात करता हूं एनईपी और एनसीएफ, अगर मैं एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और एनसीएफ, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो अगर मैं इनकी बात करता हूं तो इन्होंने रोट लर्निंग पर, इन्होंने बोला है रटकर सीखने को प्रेफरेंस उन्होंने नहीं दी है, उन्होंने किसको प्रेफरेंस दी है, मीनिंगफुल लर्निंग को, मतलब कि समझकर सीखने को प्रेफरेंस दी है एनईपी और हमारा एनसीएफ ने, ठीक है। आपको रोट लर्निंग और मीनिंगफुल लर्निंग समझ आ गया, अब चलते हैं इसके थर्ड टाइप पर। थर्ड वन हमारा क्या है, रिटेंशन लर्निंग, क्या है, रिटेंशन लर्निंग, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, रिसेप्टिव लर्निंग, और क्या बोल सकते हैं हम इसको, रिसेप्टिव लर्निंग, मतलब कि इसमें क्या होता है, हमारा दोनों तरह की बातें होती हैं, हम इसमें रोट लर्निंग और मीनिंगफुल लर्निंग दोनों में से किसी भी तरह से हम सीखें, लेकिन सीखें, है ना, मतलब कि रोट और प्लस मीनिंगफुल लर्निंग दोनों आ जाती हैं इसमें, है ना, मतलब कि चाहे बच्चा रटकर सीखे चाहे समझकर सीखे, बस सीखना ही इसका महत्व होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दोनों चीज आ जाती है, मतलब कि हमारा सिलेबस कुछ इस तरीके से है कि मतलब कि सारी चीजें बच्चे को समझ नहीं आती, लेकिन अगर नहीं समझ भी आ रही तो उसे रटना पड़ता है क्योंकि एग्जाम्स के लिए, है ना, तो उस समय उसे काफी चीजें जिनमें इंटरेस्ट होता है, मोस्टली चीजें उसे सारी चीजें समझ आ जाती है, लेकिन कभी कभी जब बच्चे का इंटरेस्ट नहीं आता, उसे वो चीजें समझ नहीं आती, तो वो बाद में क्या करता है, उन चीजों को रट लेता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं फोर्थ वन की बात करता हूं तो फोर्थ हमारा क्या है, डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग। तो डिस्कवरी लर्निंग हमारा क्या है, डिस्कवरी लर्निंग में क्या होता है, बच्चे को हम क्या करते हैं, बच्चे को हम एक्टिविटी के थ्रू सिखाते हैं, बच्चा कैसे सीखता है, करके सीखता है, कुछ भी एक्टिविटी करता है उससे सीख रहा है ना, कुछ एक्सप्लोर कर रहा है, कुछ चीजें एक्सप्लोर कर रहा है उससे सीख रहा है, या फिर कुछ ऑब्जर्व करके सीखता है ना, एक ही बात हो गई है। तो ये क्या है हमारा, डिस्कवरी लर्निंग में वो बच्चा करके सीखता है ना, खुद से करके सीख रहा है बच्चा। तो ये हमारा क्या बोला है, डेविड ओजेबल थ्योरी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इन्होंने क्या किया है, डिडक्टिव रीजनिंग पे महत्व दिया है, मतलब कि समझ करके सीखना मीनिंगफुल को महत्व दिया है ना, मीनिंगफुल लर्निंग को। तो इसमें अगर मैं इंडक्टिव की बात करता हूं तो वो क्या जाता है, एग्जाम्पल टू रूल जाता है हमारा इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, और डिडक्टिव की बात करता हूं तो वो हमारा कैसे जाता है, रूल टू एग्जाम्पल, मतलब कि पहले रूल समझते हैं फिर उसके बाद से एग्जाम्पल पे जाते हैं, है ना, उसको हम क्या बोल सकते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा फर्स्ट हमारी चार टाइप्स की थी, आर एम आर डी, ठीक है, आर से हमारा रोट लर्निंग, एम से मीनिंगफुल लर्निंग, थर्ड वन हमारा क्या था, रिटेंशन लर्निंग, जिसको हम रिसेप्टिव लर्निंग भी बोल सकते हैं, और फोर्थ हमारा डिस्कवरी लर्निंग। तो रोट लर्निंग में हमारा क्या था, बच्चा रट कर सीखता है ना, उसको कुछ समझ नहीं आता, विदाउट अंडरस्टैंडिंग बच्चा क्या कर रहा है, रट कर सीख रहा है।
सेकेंड वन हमारा क्या था, मीनिंगफुल लर्निंग, मतलब कि अपनी लाइफ से, डेली लाइफ से, है ना, डेली लाइफ से जोड़कर चीजों को सीख रहा है, वो होता है हमारा मीनिंगफुल लर्निंग। एनईपी और एनसीएफ ने भी बोला है कि मीनिंगफुल लर्निंग को महत्व दिया जाए, ठीक है, रोट लर्निंग को मना करा गया है उसमें, ठीक है। और थर्ड क्या है हमारा, रिटेंशन लर्निंग, मतलब कि उसमें दोनों आ जाती हैं, रोट लर्निंग और मीनिंगफुल लर्निंग, किसी भी तरीके से बच्चा सीखता है ना, दोनों चीजों को मिक्स करके जब बच्चा सीखता है। फोर्थ हमारा क्या है, डिस्कवरी लर्निंग, जिसमें बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, वो चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है, देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उन चीजों से बच्चा सीखता है। तो ये थ्योरी थी हमारी डेविड ओज़ुबल थ्योरी की, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट थ्योरी पे।